स्वागत है आपका अपने चैनल डियर एंजॉय। दोस्तों, शादी के 60% दुल्हन नहीं पहुंची साजन के घर, सामूहिक विवाह समारोह में हो रही है महज रस्म अदायगी। मालूम है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से गरीब लड़कियों की शादी कराती है। इस योजना में लगभग 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कराती है। इससे लाभार्थी और राशि का कुछ हिस्सा बैंक अकाउंट में भी दिया जाता है। वहीं शेष पैसे विवाह के बर्तनों, जेवरातों समेत अन्य खर्चों के लिए भी दिए जाते हैं। गरीब की शादी कराने के लिए चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेमतलब साबित हो रही है। सम्मेलन के साथ शादी करने वाले 60% दुल्हनें अपनी ससुराल तक नहीं पहुंची, क्योंकि सरकारी विवाह के बाद अब कोई 2 सप्ताह बाद तो कोई 1 सप्ताह बाद शादी करने जा रहा है। इन शादियों को लेकर परिजनों ने एक रिश्तेदारों को कार्ड बांट दिए गए हैं। सामूहिक विवाह समारोह में महज रस्म अदायगी गई है, जिसके सरकार की तरफ से धनराशि मिल सके। महोब जिले में 11 दिसंबर को 261 जोड़ों को प्रशासन में शादी कराई गई। सम्मेलन के कुछ विवाहों में 80% से अधिक जोड़ों की शादी की रस्म अदाई गई। इसके बिना ही केवल जयमाला डालकर शासन के तहत दी जाती है नगद राशि। सम्मान प्राप्त करने के बाद 18 फरवरी को बंदे हरि सिंह पुत्र रूपेंद्र ने बताया है कि बारात कस्बे में विवेक नगर आनी है, तो वहीं बमहोरी कला के मोती लाल के प्रदीप और कलो हरिशंकर पुत्र के भूप सिंह 16 फरवरी कस्बे में अंबेडकर नगर के विवाह होना तय है, जिसको लेकर रिश्तेदार को कार्ड बांट दिए गए हैं। इनकी शादी 11 दिसंबर को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हो चुकी है। अगर मैं वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि मैं वीडियो को कैसी लगी।